हेलो फूडीज, वेलकम बैक टू माय किचन। ज्यादा गर्मी के कारण कुछ स्पाइसी या मसालेदार कुछ खाने का या बनाने का मन ही नहीं होता, इसलिए मैं स्टीम्ड रोहू फिश यानी रुई भापा रेसिपी लेके आई हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने, जो बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे 6 पीस रोहू मछली, 1 स्लाइस्ड ऑनियन, 5 से 6 हरी मिर्च, 1 टमाटर को ऐसे छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिए, 2 टेबलस्पून सरसों का तेल, 1 टेबलस्पून दही, खसखस यानी पॉपी सीड्स 1 टेबलस्पून, काला सरसों 1 टेबलस्पून, सफेद सरसों 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार ले ली हूँ। फिश को अच्छे से धोकर साफ कर लिए हैं। अब इसमें नमक और हल्दी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब 5 मिनट के लिए रख देंगे कि फिश में नमक और हल्दी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तब तक हम मसालों का एक पेस्ट बना लेते हैं। एक मिक्सर जार में खसखस, ये ऑप्शनल है, 2 तरह का सरसों एंड नमक डालकर ग्राइंड कर लेंगे। नमक डालने से सरसों का पेस्ट कड़वा नहीं होता। अब इसमें 2 हरी मिर्च, दही एंड थोड़ा सा पानी डालकर एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। हमारा मसाला बन गया। अब एक पैन गरम होने के बाद 1 टेबलस्पून तेल डाल लेंगे एंड तेल गरम होने के बाद फिश डालकर हल्का सा फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई बिल्कुल भी ना करें। आप ये कच्चा मछलियों से भी बना सकते हैं, पर बहुत सारे लोगों को फिश का कच्चा स्मेल पसंद नहीं है, इसलिए हल्का सा फ्राई कर लेंगे 30 सेकंड तक। आप एक प्लेट में निकाल लेंगे एंड बाकी मछलियों को ऐसे फ्राई कर लेंगे। देख रहे हैं ना, मछली बिल्कुल भी डीप फ्राई नहीं हुआ है। अब एक स्टील या एल्युमिनियम के टिफिन बॉक्स में सरसों का जो पेस्ट बनाए थे वो डाल देंगे। अब इसमें ऑनियन को ऐसे थोड़ी सी मसल कर डाल देंगे, टमाटर, हल्दी पाउडर एंड नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब मिक्सर जार धोकर पानी भी इसमें डाल देंगे। यहाँ पे 1/2 कप पानी डाली हूँ, आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिला लेंगे एंड एक एक फिश पीसेस को रखते जाएंगे। मसालों में अच्छे से डीप कर लेंगे हल्के हाथों से। अब इसमें जाएगा सरसों का तेल एंड मिर्च, जो बीच में से थोड़ी सी कट कर लिए। अब ढक्कन ढक देंगे। यहाँ पे स्टीमिंग के लिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है। एक स्टैंड रखकर इसके ऊपर टिफिन बॉक्स को रख देंगे एंड याद रखें, पानी टिफिन बॉक्स के ढक्कन के नीचे होना चाहिए, बस नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा डूब कर रहे। अब ढक्कन ढक के मीडियम फ्लेम में 15 मिनट पकने देंगे। 15 मिनट्स बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे एंड टिफिन बॉक्स को बाहर निकल कर थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे। अब ढक्कन खोल लेंगे। हमारा स्टीम्ड रोहू फिश बनकर तैयार। लग रहा है ना डिलीशियस?
गर्मा गर्म राइस के साथ सर्व कीजिए। ये डिश बनाएं एंड कमेंट बॉक्स में बताएं ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करते ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।